केस ऑफ बुलेमा नवोसा नाउ वी विल डिस्कस अ केस जिसके अंदर हम एक फीमेल हैं शी इज़ लाइक ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड और उसको जो था कंसर्न बहुत ज़्यादा था अपने वेट और शेप के साथ ओवर द सेवरल यर्स ठीक है तो शी ऑलवेज फील के वो प्लम्बी है और उसके साथ साथ जो है उसका डाइट करने की बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करती थी ठीक है और लेकिन जो उसका वेट था वो मेंटेन हो रहा था नॉर्मल रेंज के अंदर अकॉर्डिंग टू हर एज एंड हाइट तो लेकिन जिस तरह वो बड़ी होती जा रही थी विद एज उसके अंदर ये प्रॉब्लम सीरियस होना शुरू हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी अबाउट हर बॉडी शेप उसकी वजह से हो क्या रहा था कि उसने अपना जो फूड इनटेक था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इसके साथ साथ उसने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किस्म की एक्सरसाइज जो थीं वो स्टार्ट कर दी थी अब जो ज़्यादा प्रॉब्लम उसका रिपोर्ट हो रहा था वो ओवर द लास्ट सिक्स मंथ हो रहा था जिसके अंदर शी स्टार्टेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लंच और उसके बाद रात में या शाम में जो मील होता है वो वो नॉर्मल ले रही थी ठीक है आ, लेकिन होता क्या था कि वो वीक के अंदर दो से तीन दफ़ा जो है वो बिंच ईट कर रही थी ठीक है यानी बिंच ईट का क्या मतलब है कि शी वॉज टेकिंग टू मच फूड और ऐसा यूजुअली कब होता था जिस वक़्त वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील होती थी या वर्ड महसूस करती थी जिस तरह आ, शी सेट के वान शी फेल्ट के उसकी जो फ्रेंड है उसने उसको रिजेक्ट किया है या रिजेक्शन की फीलिंग आ रही थी तो उस दौरान उसने लार्ज अमाउंट ऑफ फ़ूड लिया अगर हम उसमें देखें तो उसने क्या खाया था फ़ोर स्लाइसिस ऑफ टोस्ट विद बटर एंड जैम सिक्स पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स थ्री लार्ज बार्स ऑफ चॉकलेट हाफ़ अ बॉक्स ऑफ सीरियल एंड अ लार्ज बाउल ऑफ आइसक्रीम तो इस किस्म का बिहेवियर जो था वो उसका बिंच ईटिंग के रेफरेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा था ठीक है अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा जो है वो पानी पिया क्यों फॉर इंड्यूसिंग वॉमटिंग ठीक है तो इस किस्म का जो बिहेवियर है वो आपको उसके अंदर नज़र आ रहा है इसके साथ साथ उसने लिग्जेटिं जो कि थर्टी टू फोर्टी टैबलेट्स उसने एट अ टाइम ली इसी तरह फाइव हंड्रेड उसने डेली जो सेटअप्स थे वो करी थी एरोबिक्स कर रही थी इसी तरह उसने जो फूड है उसको गुड और बैड कैटेगरीज में डिवाइड भी किया हुआ था तो अगर आप यहाँ तक देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि जो उसका फूड इंटेक था उसमें बेच आ रही है इसके साथ साथ उसका कंपनसेटरी बिहेवियर आ रहा है और कंपनसेटरी बिहेवियर क्यों आ रहा है व्हेन एवर शी फील हर सेल्फ इमोशनली डिस्टर्ब उसको ओवरकम करने के लिए शी स्टार्टेड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ फूड और जब वो लॉट ऑफ फूड खाती थी उसके बाद उससे इंटेंस फियर ऑफ़ वेट गेन होता था बिकॉज शी इज़ सो मच कंसर्न अबाउट हर वेट एंड शेप और उसके बाद वो क्या हो रहा था उसके बाद वो चीज़ों को वामिट आउट कर रही थी तो इस सारी सिचुएशन को देख के ये आइडिया हो रहा है के जो पिक्चर है क्लाइंट uh, की वो बेंच ईटिंग की तरफ जा रही है अब इसका क्या मतलब है कि वी नीड टू बी चेक कि जो उसका वेट है uh, वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है क्योंकि उसका वेट जो है वो नॉर्मल रेंज में था इसलिए हम बोलेमा नर्वोसा की तरफ गए राधा देन एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ जिसका करेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसमें वेट जो है क्लाइंट का रिड्यूस होना चाहिए अगर उसके अंदर बेंच ईटिंग आ रही है देन कैथरीन जो थी वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस थी और यूजुअली वो अपने आप को वेन नहीं करती थी यानी अपना वेट वो जो थी वो प्रेफर नहीं करती थी वो करे और जो स्विमिंग थी उसकी क्लासेस भी छोड़ दी थी वो क्यों छोड़ी थी बिकॉज दे आर सो मच कंसर्न अबाउट देयर शेप एंड वेट तो उस चीज़ से छुपने के लिए वो जो है उसने ये अपने आप को ना वो वेट करती थी और ना ही वो स्विमिंग uh, क्लासेस में जाती थी शी ऑलवेज डिसलाइक हर बॉडी और वो अपने आप को मुसलसल एक कमांड देती थी कि यू आर फैट एंड एगली आई कान स्टैंड द वे यू लुक तो ये वो डेरोटरी uh, रिमार्क्स हैं जो वो अपने माइंड को दे रही थी और कंटिन्यूस दे रही थी ठीक है अब इस सारी सिचुएशन uh, में वो अपने आप को बहुत बुरा फील करती थी बिकॉज शी दैट शी इज गेनिंग वेट सो जब इस किस्म की कोई क्लिनिकल पिक्चर आपके सामने आए तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये बोलेमा नर्वोसा है अगेन जो डिफरेंशियल पॉइंट है बिटवीन एनोरेक्सिया एंड बोलेमा वो यही है कि एनोरेक्सिया के अंदर क्या होगा वेट लॉस होगा और जो बोलेमा नर्वोसा है उसके अंदर वेट लॉस नहीं होगा थैंक यू